भक्त जनो कैसे हो सालो? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। बत्ती तो गुल हो बे करेगा ना, चला तो पठान का बॉयकॉट करने, लोगों ने जबरदस्ती दिखा दिया। अच्छा बात नहीं है। कुछ युवा है बात करेंगे, मूवी देख ली आपने? जबरदस्ती दिखाया गया, देखे नहीं है। कहानी तो पूरा सुनिएगा तब ना सर, कल आए विरोध किए, पोस्टर फाड़े, अच्छा लगा, पैसों मिला, हम सोचे आज भी करेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा, मगर कोई विरोध करने आया नहीं तो हमको दिखा दिएगो, कह रहे अरे अरे क्या कर रहे हो, हम बोले भैया आए विरोध करे, बोला विरोध मत करो, मेरे पास एक टिकट बच रहा है, पीछे का सीट है देखेगा, हम बोले दिखा दीजिए भैया फ्री में। रुको जरा, सबर करो। ठीक है देख लेते हैं। तो गए थे विरोध करने के लिए, गाली उली भी दी कि अच्छा मूवी नहीं है हाफ तक, मगर सेकंड हाफ के बाद अच्छा मूवी लगा। फर्स्ट हाफ भी अच्छा था, मगर फर्स्ट हाफ एक था कि विरोध करने आए थे ना, तो खराब लग रहा था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मगर सेकंड हाफ भी अच्छा लगा, और लास्ट में जो जय हिंद बोला ना भैया, तो पूरा गूज़बम्प्स हो गया, पूरा रोंगटा खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। तो पहली बार भैया हम देख लिए विरोध में, मगर एक बार और देखेंगे समर्थन में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पठान ऐसे भी फ्लॉप होने वाला है, लिख के रख लीजिए, किसी को हिट कराना है तो आ जाए, चैलेंज लगा ले। सर्जिकल स्ट्राइक देश के सिनेमा घरों में भी हुई, शाहरुख की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान रिलीज हुई, इसने पहले ही दिन धूम मचा दी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरब गोदी मीडिया के पत्रकार सुधीर चौधरी भी पठान के सपोर्ट में उतर कर अणभक्तों को अच्छे से ले लिए। किसी भी फिल्म की 5,56,000 टिकटें एडवांस में बुक हुई हैं, ये नया रिकॉर्ड है। और इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो मुट्ठी भर हैं। हमारे देश में आम दर्शक जो है धर्म देखकर फिल्म देखने नहीं जाता, और जो कट्टरपंथी लोग हैं जो इस तरह की फिल्मों का विरोध करते हैं वो न्यूज चैनल्स पर हेडलाइन बना सकते हैं, अखबारों में हेडलाइंस बना सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी अकाना इनकी मजबूरी है, फिल्म तो हिट हो गई, इन्होंने पात्र बदल लिया, अब ये कोने में ही भलाई है, वरना बेइज्जती तो दबा के एजेंडा गैंग वालों की हुई है, और ये भी उसी गैंग का हिस्सा है। अच्छा हाँ, अणभक्तों को एक और झटका लगा है, कहा कि सरकार का अखंड लेवल का चाटुकार नहीं रहूगा, वो भी पठान के सपोर्ट में उतर गया है। हम जरूर फिल्म देखेंगे। हाँ, जहाँ तक बात है कंट्रोवर्सी की, भगवा रंग को लेके जो हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो काम सेंसर बोर्ड का है, वो शाहरुख खान जी का काम नहीं है, वो निर्देशक का काम नहीं है, वो निर्माता का काम नहीं है, उन्होंने अपने तरफ से बनाया है, अब ये सेंसर बोर्ड का काम होना चाहिए कि कौन से शब्द या कौन से लाइन या कौन सी चीजें पर्दे पे नहीं जानी चाहिए, किसी की भावना आहत हो सकती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल यही नहीं अभी देखिए अणभक्तों के पापा भी पठान के सपोर्ट में उतर गए। इन सब चीजों को गिरगिटिया लक्षण कहते हैं, जो वक्त के हिसाब से अपना कलर बदल लेते हैं। अगर ये पिक्चर अच्छी ना होती और लोग इसे पसंद ना करते तो फिर ये कहा जाता कि ये तो बॉयकॉट का असर है। बात तो सही है,